गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, फॉर बी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकेंड में आज हमारा टॉपिक है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या मीनिंग है, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल जिसको हम बार बार में क्या बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सेल जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस तरीके से अब इसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं इस तरीके से। ये एक एनोड हो गया, ये वाला एक कैथोड हो गया, और ये दोनों जो भी है उस गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से जुड़े हुए होते हैं। इसके ऊपर ये एनोड है, ये कैथोड है, इसके बीच में जो है ये लवण सेतु होता है, और ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, सब लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया, देखो आप यहाँ पे सेल पोटेंशियल सेल का विभव दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो मानक परिस्थितियों में और एक आपकी किसी भी परिस्थितियों में। तो मानक परिस्थितियों में निकालने का फार्मूला आप सब लोगों को पता है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इस तरीके से। और किसी भी परिस्थितियों में किसके थ्रू निकालते हैं अपन, नेंसर्ट इक्वेशन से, वो भी अपन ने पढ़ रखा है। नेंसर्ट समीकरण से कैसे निकालेंगे उसके क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से करे थे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड आयन की कंसंट्रेशन, उत्पादों की सांद्रता थी ना इस तरीके से, डिवाइडेड बाई कैथोड आयन की कंसंट्रेशन, इस तरीके से। ये सब इस तरीके से हमने पढ़ रखा है। अब बात ये थी कि यहाँ से जो निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वैद्युत अपघटनी सेल में बैटरी प्रभावी होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड का कोई एसच रोल नहीं होता, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में सब कुछ इलेक्ट्रोड ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनसे ये सेल निकल के आ गया ई सेल, चाहे वो मानक परिस्थितियों में निकल के आए चाहे वैसे निकल के आए। तो ये जो ई सेल है ये दोनों इलेक्ट्रोड मतलब एनोड का विभव प्लस कैथोड का विभव दोनों का टोटल है, अब इसको अपन बोलते हैं ई सेल। सेल का अब बात आती है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालना है, क्योंकि आज जैसे मैं कहूं कि जिंक के इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो -0.76 होता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड का +0.34 होता है, तो वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो ये जो ई सेल निकल कर के आएगा ये दोनों इलेक्ट्रोनों का निकल कर के आएगा। इसलिए क्या है कि इसमें सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि ऐसी तो कोई युक्ति है नहीं अपने पास में, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम एक को मतलब कि एक को बंद कर दें दूसरे को चालू रखें तो सेल का विभव, क्योंकि सेल कभी तभी काम करता है जब इलेक्ट्रोड दोनों काम करें, कैथोड भी और एनोड भी। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एनोड और कैथोड पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, आपने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं तो उनमें से कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी दोनों की एक्टिविटी क्या है। देखो आपको मैंने अभी बताया था कि जो एनोड है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड का हमेशा क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है अपचयन। तो जिस जैसे आपने दो कोई भी धातु चुन ली, जैसे मान लो आपको कह दिया गया कि मैंने आयरन व एजी इन दोनों धातुओं से सेल का निर्माण करना है, तो इसमें कौन तो एनोड का काम करेगा और कौन कैथोड का काम करेगा, तो भैया इन दोनों में ये इस बात से डिसाइड होगा कि विच वन हैव मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, विच इज हैव मोर रिड्यूसिंग नेचर, मतलब
जिसके पास में ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति जो होती है वो ज़्यादा होगी वो एनोड का काम करेगा, और जिसमें अपचित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगा। अब जिसमें अपचन होने की गुण है और आप उसको एनोड बनाएंगे तो वो एनोड का काम कैसे करेगा, क्योंकि उसके उसको ऑक्सीकरण करना ही नहीं आता। ऐसे ही अगर मान लो कि जिसके अंदर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है वो अपचन का काम नहीं कर सकता, इसलिए दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं। तो हमें ये कहा सोचा कि सब लोगों ने कि भाई अब हम इलेक्ट्रोड को देख करके कैसे पता लगे कि कौन किस में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है और किसके अंदर अपचित होने की प्रवृत्ति है। तो उन्होंने क्या किया, एक सीरीज का निर्माण किया और सीरीज के अनुसार सब इलेक्ट्रोड जो भी मतलब अरे इलेक्ट्रोड यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रोड, इसको हाफ सेल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, ये हाफ सेल है, इसके अंदर एक धातु होती है और वो उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ विलयन होता है। जैसे मैं आपको कहूँ अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा जिंक ओब्लिक Zn+2, Zn+2 का मतलब जिंक सल्फेट का विलयन जिसमें जिंक प्लस टू है, सल्फेट से मतलब नहीं है, कॉपर ओब्लिक कॉपर प्लस टू, तीसरा मैंने लिख दिया सिल्वर ओब्लिक सिल्वर प्लस आयन, इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं। तो इसके अंदर क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रोड तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखता है, कौन सा इलेक्ट्रोड अपचित होने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इन सब को SRP के अंदर सेट किया गया। SRP का मतलब बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हालांकि आप कहोगे कि सर SRP कैथोड का तो समझ में आता है कि भाई चलो वो पहले से ही कैथोड है तो कैथोड पे अपचयन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल समझ में आ गया, लेकिन एनोड का SRP का मतलब क्या है, क्योंकि एनोड में तो ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति है तो वो अपचयन कैसे शो करेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब तो अपचयन भी वो होता है, तो उसका SOP होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो सबको एक ही पोटेंशियल में जनरेट किया, कैसे, उससे क्या होगा कि भाई जिनके लिए जैसे मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन आगे जाके पढ़ेंगे, जिनके लिए SRP की वैल्यू जीरो है वो तो एक इलेक्ट्रोड है, आपको आगे जाके बताएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, Pt+H+H2। अब इधर चलेंगे तो SRP की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी, और इधर चलेंगे तो SRP की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अब दोनों ही SRP हैं, लेकिन SRP जिसका पॉजिटिव है मतलब SRP की वैल्यू ज़्यादा है, SRP ज़्यादा होने का मतलब जिसका अपचयन विभव ज़्यादा है, और अपचयन विभव ज़्यादा होने का मतलब उसमें अपचित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, मतलब वो अच्छे से कैथोड की तरफ विवेक करेगा। तो इसको अपन कह सकते हैं इधर क्या बनेगा, कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, और इधर SRP नेगेटिव, तो SRP SOP में ज़्यादा फर्क नहीं होता। देखियो कैसे, जैसे मैं कहूँ Mn+(n) इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा M, तो ये हो गया अपचयन। अब जस्ट मैं इसका उल्टा लिखूं, और इसको अगर मैं उल्टा लिखूं M gives Mn+(n) इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रोसेस है। तो जिसके लिए SRP मान लीजिए -0.76 आ रहा है, इसका मतलब उसकी SOP कितनी हो जाएगी, +0.76। इसका मतलब जिसका SRP नेगेटिव है इसका मतलब उसका SOP पॉजिटिव है, तो वो SOP पॉजिटिव होने का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल धनात्मक होना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल धनात्मक होने का मतलब ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होना, और ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होने का मतलब वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, एनोड की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये कैथोड की तरह हो गया, और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एनोड की तरह व्यवहार करेगा। तो कुल मिलाकर की बात ये हो गई कि जिसका SRP ज़्यादा है वो धनात्मक होगा, जिसका SRP कम है वो एनोड की तरफ व्यवहार करेगा, और जिसका SRP ज़्यादा है वो कैथोड की तरफ व्यवहार करेगा। अब ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका SRP कितना है। तो देखिए आपको पता है कि किसी भी सेल के लिए अगर मैं ई सेल निकालूंगा, ई नोट सेल, तो वो वैल्यू आती है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आप अगर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो ये जो ई नोट सेल है ये निकल के आ जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें दोनों का योगदान है, ई कैथोड और ई एनोड का डिफरेंस जो है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन कैथोड इलेक्ट्रोड एज वेल एज एनोड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू इवेलुएट और वी वॉन्ट टू नो अबाउट द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ
कैथोड एज वेल एज एनोड। हमें ये पता करना पड़ेगा कि कैथोड का सेल पोटेंशियल कितना है और एनोड का कितना है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि या तो हमें उनमें से किसी एक इलेक्ट्रोड को ऐसा लेना पड़ेगा जिसका विभव हमें पहले से ही पता हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपका टोटल विभव आया 1.1 वोल्ट और मान लीजिए मुझे इसका पहले से ही पता है, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए इसमें जितना भी एक्स वोल्ट है तो मैं क्या करूँगा, 1.1 में से एक्स को माइनस कर दूंगा तो ये कैथोड निकल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसी से तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। अरे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रोड ले लिया एक्स, एक इलेक्ट्रोड क्या ले लिया, एक्स इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका पोटेंशियल हम जानते हैं या नोन है, क्या है, नोन है। तो अब क्या होगा, ई सेल मैं प्रैक्टिकली निकाल सकता हूँ। अरे भाई ये फॉर ये आपका सेल रहा है, इस सेल से आराम से यहाँ से निकल के आ जाएगा इस पूरे सेल का, इसमें से एक इलेक्ट्रोड तो ये एक्स, मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, ये मान लीजिए सेल है, समझ लीजिए ये सेल है, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ये पूरा सेल है, इसमें से एक इलेक्ट्रोड को मैंने बना दिया एक्स, ठीक है। तो अब इसका ई सेल तो निकाल सकते हैं अपन आराम से, प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है, ज्ञात कर सकते हैं। और एक्स का मुझे पहले से पता है, तो हर बार मैं ई सेल में एक्स को घटा घटा करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, किसकी, इस वाले सेल की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले कौन सी इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है इस सेल में, इसमें पहले मैं जिंक लगा दूंगा, दूसरी बार कॉपर लगा दूंगा, तीसरी बार सिल्वर लगा दूंगा, चौथी बार आयरन लगा दूंगा, ऐसे मैं लगाता जाऊंगा। तो हर बार जिंक और एक्स दोनों इलेक्ट्रोड होंगे तो सेल पोटेंशियल कुछ और आएगा, उस सेल पोटेंशियल में से एक्स की वैल्यू को निकाल देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉपर का छड़ लगाऊंगा, इसमें से एक्स को निकालूंगा, इस सेल का पता लग जाएगा। एजी की छड़ लगा दी, ई सेल निकाला, और प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू पहले से पता है तो ई सेल में से एक्स की वैल्यू निकाल के दीजिए। ऐसे में इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता कर सकता हूँ। तो जो आपने यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रोड काम में लिया है जिसकी अब पोटेंशियल हमें पहले से ही पता है, तो सेल के कुल विभव में से उस एक्स के विभव को कम करने से हमें इस अज्ञात इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलेंगे अपन, अननोन इलेक्ट्रोड जिसका विभव हमें अज्ञात है, अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव निकाला जा सकता है। अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड की सहायता से हमने इसका विभव ज्ञात किया है, उस अज्ञात इलेक्ट्रोड के विभव को कहा जाएगा संदर्भ इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे आप यहां पर, एक्स इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्या कहते हैं, दोबारा समझ लीजिए, संदर्भ का मतलब डमी इलेक्ट्रोड, या मैं कह दूं भाई देखो, जब भी दो इलेक्ट्रोड एक सेल में डलेंगे तो उस सेल का पोटेंशियल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि वो सेल बन गया, एनोड लग गया, कैथोड लग गया, तो आराम से वो सेल ऑपरेट होगा। और उसका सेल पोटेंशियल निकालने के तरीके दो हैं, या तो मानक परिस्थितियां हैं, मतलब 25 डिग्री ताप, 1 मोलर सांद्रता और 1 मोल वायुमंडलीय दाब, तो आप ई नोड सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, निकल जाएगा ई नोड सेल। अगर ये परिस्थितियां नहीं होकर के कोई भी परिस्थितियां, तो नैनसक समीकरण से अपन ई सेल निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालना हो। अब अगर सिंगल इलेक्ट्रोड लेकर के सेल बनाएंगे तो नहीं बनेगा, उसके लिए दोनों इलेक्ट्रोड चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड ले लूंगा, मतलब जिसका विभव मुझे पहले से ही पता हो, समझ आ रहा है, उसको मैंने एक्स बोल दिया। तो मैं वाई में हर बार अलग अलग प्रकार की धातु लगाऊंगा, तो वो धातु और एक्स मिलकर के एक सेल का निर्माण करेंगे। उस सेल का विभव या तो मानक परिस्थितियों में या नैनसर समीकरण के द्वारा निकाला जा सकता है। आपको पता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हो गया।
अब इसमें से x की वैल्यू आपको पहले से पता है, ये आपने प्रैक्टिकली निकाले तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मैं दूसरी धातु लगाऊंगा और फिर इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर दूसरी धातु लगाऊंगा और फिर इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। इसका मतलब क्या हो, मैं प्रत्येक धातु को लगा लगा करके उसका विभव निकाल सकता हूं, जिसको अपन बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपना यही तो टॉपिक है। तो यहाँ पे जिन जिस इलेक्ट्रोड की सहायता से मैंने ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ये जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है, ये दो टाइप का अपन कहते हैं फिर इसको, एक तो प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड और दूसरा है द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। इसमें पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये प्राथमिक में आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको अपन पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी बहुत सारे आते हैं, जैसे AgCl इलेक्ट्रोड भी द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। दूसरा ग्लास इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये सब द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, जिनकी सहायता से कि अन्य इलेक्ट्रोडों का सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाला जा सकता है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।